नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। अपनी मांगों को लेकर पटना के बीजेपी ऑफिस के सामने ये बेल्ट्रॉन के छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगी क्या हैं, क्यों आखिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि सर, हम लोग पास आउट कर 2019 के हैं, 7311 टोटल हम लोग पास हुए थे, लेकिन 2 साल हो गया अभी तक किसी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो ये दिखाता है सर बिहार सरकार की कितनी विफलताएँ हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी तक हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग का एक ही मुद्दा है कि जल्द से जल्द हम लोग का ज्वाइनिंग हो सर, बस इसी के लिए हम लोग बीजेपी दफ्तर में आए थे मिलने सम्राट अशोक चौधरी से, जो DPRO पंचायती राज के मंत्री हैं, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा था। कुछ उनके सदस्यगण के द्वारा हम लोग को धमकाया गया है और नहीं मिलने दिया गया है। हम लोग इसके बाहर खड़े हैं, जब तक नहीं आते तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। धीमा है प्रोसेस, क्या बोल रहे हैं, बेल्ट्रॉन का प्रोसेस बहुत धीमा है। हम लोग का ऐसा हालत है कि दो महीने ऑफर लेटर आए हुए हो गए, लेकिन ज्वाइनिंग का नाम दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। 2019 में हम लोग सारे एग्जाम पास आउट हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ उसका लेखा जोखा नहीं है और कब होगा ये भी तय नहीं है। हम लोग डेली आते हैं बीजेपी दफ्तर, कभी बेल्ट्रॉन, कभी कोई आओ नेता, कभी मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती हम लोग की। आज फिर उसी चीज़ को हम लोग सर, मेरा नाम शशि रंजन है और मैं बेल्ट्रॉन पास आउट कैंडिडेट हूँ। अच्छा। सर 2019 में जब बाहरी निकला था, 10,500 रिक्तियाँ बोल के बाहरी निकाला गया था। बाहरी निकालने के बाद सर, जब हम लोग पास हुए और टोटल CBT और टाइपिंग के बाद जब हम लोग का मेरिट बना, उसमें 7311 स्टूडेंट पास कर लिए। उस समय तो बहुत अच्छा लगा कि 10,500 सीट है और जिसमें करीब 1.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो हम लोग को अच्छा लगा कि 7311 ही पास हुए हैं तो बहुत जल्द हम लोग का ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। मगर सर ऐसा हुआ नहीं। आज 2 साल बीत गए हैं, उसके बाद भी लगभग 2000 स्टूडेंट यहां पर नियुक्ति ज्वाइन कर पाए हैं। ये कि लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए तो इतना जनता दरबार है, सहयोग कार्यक्रम बीजेपी चलाया जा रहा है, कुछ भी फिर भी सब कुछ है, फिर भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ बीजेपी गेट बंद कर दिया गया है और वहाँ से अंदर से लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ से कोई मिनिस्टर नहीं मिलेगा, कोई आएगा नहीं, आप लोग जाइए यहाँ से, नहीं तो पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कर दिया जाएगा। धमकी दे रहा है सर कि आप लोग जाइए यहाँ पे, कोई मिलने के लिए नहीं आएगा सब, नहीं तो अभी हम पुलिस प्रशासन बुलाकर आप लोगों पर लाठी चार्ज करवा देंगे। बार बार गेट बंद कर दे रहा है, कोई सुन नहीं रहा है सर। हम लोग 9 बजे सुबह से 9 बजे से आकर खड़े हैं बारिश। पंचायती राज में रिक्तियाँ होने के बाद भी हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है और मंत्री जी से हम लोग मिलने आए हैं, सम्राट चौधरी जी से, फिर भी वो मिल नहीं रहे हैं। हम लोग अपना समस्या उनको बताना चाहते हैं कि पंचायती राज में करीब 8,000 लगभग सीट खाली है, जो कि बेल्ट्रॉन को जल्द से जल्द अधियाचना करें ताकि हम लोग का ज्वाइनिंग हो सके। हम लोग 2 साल से पास हैं, फिर भी हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। हम लोग का 2 एग्ज़ाम हुआ था, पहला CBT एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद टाइपिंग एग्ज़ाम हुआ था। दो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी 2 साल से बैठे हुए हैं, कभी बेल्ट्रॉन ऑफिस जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, ज्वाइनिंग नहीं मिलता है। बेल्ट्रॉन के तमाम अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपनी मांगों को प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि लगातार जिस तरह से ये इनकी बातों को नहीं लोग सुनते हैं, मंत्री के कार्यालय तक ये पहुंचे हैं, भाजपा के कार्यालय तक पहुंचे, इनकी बातों को नहीं सुना जाता है, तो इनका प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से है और ये अपनी मांगों को जो है शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए।